बड़ी खबर, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का हमास पर बड़ा बयान आया है। बाइडेन ने हमास के हमले को कत्लेआम का नाम दिया और कहा कि हमास ने जो किया उसने यहूदियों पर हुए जुल्म की याद दिला दी। बाइडेन ने कहा उन्होंने इजरायली पीएम को फिर एक बार यकीन दिलाया है कि अमेरिका हर कदम पर इजरायल के साथ खड़ा है। तो देखिए, यहाँ पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने हमास पर बड़ा बयान दिया। बाइडेन ने हमास के हमले को कत्लेआम का नाम दिया और कहा कि हमास ने जो भी किया उसने यहूदियों पर हुए जुल्म की याद दिला दी। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने इजरायली पीएम को फिर एक बार यकीन दिलाया है कि अमेरिका हर कदम पर इजरायल के साथ खड़ा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने हमास पर बड़ा हमला बोला। यहाँ पर अल्फाजों से हमला बोलते हुए जो बाइडेन ने कहा कि जो भी हमास ने किया उसने सालों पहले हुए यहूदियों पर जुल्म की एक बार फिर से याद को ताज़ा कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि हमने इसराइल से कहा है कि हम हर कदम पर उसके साथ खड़े हैं। अमेरिका हर कदम पर इसराइल के साथ खड़ा है। तो देखिए, लगातार अमेरिका जो है वो खुलकर इसराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हमास ने जो भी किया वो सालों पहले हुए यहूदियों पर जुल्म की याद को एक बार फिर से ताज़ा कर दिया। वो जख्म वापस से हरे हो गए, जिसको हम सोचते हैं तो दिल कांपता है। देखिए, वही जुल्म जो यहूदियों पर सालों पहले हुआ था, करीब 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को कत्ल कर दिया गया था। जो बाइडेन ने इसराइल को एक बार फिर से यकीन दिलाया कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है। और वहीं बड़ी खबर, अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल के दौरे पर जाएंगे। जो बाइडेन ने देर रात इसराइल को यकीन दिलाया था कि वो हर मोर्चे पर इसराइल के साथ खड़ा है, और ब्लिंकन का ये दौरा इसराइल को यकीन को और मजबूती देगा। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिल्लर ने कहा कि ब्लिंकन इसराइल के इस बात की चर्चा करेंगे कि हम उन्हें क्या इजाफी वसाइल दे सकते हैं। तो देखिए, जो लगातार कहा जा रहा था कि अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है, तो उसमें अब अमेरिका खुलकर साथ आ गया है। तो अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल के दौरे पर जाएंगे। जो बाइडेन ने देर रात इसराइल को यकीन दिलाया था कि वो हर मोर्चे पर इसराइल के साथ खड़े हैं, और ब्लिंकन का ये दौरा इसराइल को यकीन को और ज़्यादा मजबूती देगा, क्योंकि महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने मंगल को ब्लिंकन इसराइल से इस बात की चर्चा की और उन्हें क्या इजाफी वसाइल दे सकते हैं पर चर्चा होगी। देखिए, यहां पर अमेरिका खुलकर इसराइल के साथ आ चुका है। अमेरिका के मिनिस्टर जो है वो इसराइल जाएंगे, और इसके साथ ही आपको बता दें ये दौरा इस बात को और ज्यादा मजबूती देगा कि इसराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। तो देखिए, इसराइल के साथ अमेरिका अब इस बात को और तरजीह दी जाएगी, क्योंकि जो अमेरिका हैं उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अब जाएंगे इसराइल के दौरे पर। इसके साथ ही वो तमाम कयास, वो तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी कि अमेरिका ने अपनी साइड क्लियर कर दी है। अमेरिका हर हाल में साथ खड़ा है।